अब बिहेवियर चेंजेस क्या क्या होते हैं जब आप स्ट्रेस में होते हैं? नंबर वन आपकी क्या होता है, आप लोगों से मिलना नहीं पसंद करते, आप आइसोलेशन में जाना शुरू कर जाते हो, आपको खलबत पसंद आने लग जाती है, आपको किसी से बात करना नहीं पसंद आना होता, आप चुप चुप से रहने लग जाते हो, आप अपनी दुनिया में खोने लग जाते हो। तो जहाँ पे कोई ऐसा इंडिविजुअल आपको दिखे तो आप उनसे बात करें और कोशिश करें कि उससे बात करके उसकी स्ट्रेस को कम करें। तो स्टूडेंट से मैंने इसी तरीके से तो इंटरेक्ट करता हूँ, अपने क्लास में ऑब्जर्व करता हूँ, बॉडी लैंग्वेज पढ़ता हूँ। बेटा सब ठीक है? सर ठीक नहीं है सर, चाय भी पीते हैं, क्लास के बाद चाय भी बैठा लेता हूँ, बातें करता हूँ। और मुझे आज भी याद है उनके अपने स्टूडेंट्स की बातें, कि वो मुझे हंस के बोलते हैं कि सर मैं कितने दिनों बाद आज मुस्कराऊँ, आज मैं पहली दफ़ा घर जाऊँगा हंसते हुए। ऑल इट टुक्स वो आधा घंटा, 30 मिनट, सिर्फ 30 मिनट मुझे लगे बात करने में। और ये कोई बड़ी बात नहीं, मैंने सुना है, ऐसे सिर्फ मैंने सुना है। स्टूडेंट ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं फैमिली प्रेशर, फैमिली से डिस्कनेक्ट और अब्यूसिव पेरेंट्स, मियाँ बीवी के झगड़े, घर में इंटरनल झगड़े, डिप्रेशन, कंपैरिजन, आपस में एक दूसरे से कंपैरिजन, फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग वर्थलेस, तानेबाजी। मतलब मैं वो पेरेंट्स को ये बोलता हूँ कि अगर आप किसी को राह चलते वाले को बोलेंगे ना गधे, वो आपको ऐसी सुनाएगा, आपको याद रखेगा, अपने बेटे को रोज़ बोलते हैं, मजबूर है, उसके दिल में घुसते हैं वो अल्फाज, उसकी पर्सनैलिटी शेप हो रही है। जस्ट इमेजिन द डैमेज यू आर डूइंग। किसी बाहर वाले को बोल के दिखाएं, आपको बताएगा।